बिहार विधानसभा चुनाव में दलित मतों को लेकर के सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। जदयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी खुद दलित हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया, जदयू के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में मांझी फैक्टर को डिफ्यूज करने के लिए आरजेडी ने अपने दलित नेताओं की पूरी फौज मैदान में उतार दी। इस तरह से दोनों पार्टियों के बीच में दलित मतों को लेकर के सहमत का खेल शुरू हो चुका है। बिहार की राजनीति में मांझी दलित चेहरा माने जाते हैं और ऐसे में महागठबंधन से मांझी के अलग होने को विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसीलिए गुरुवार को आरजेडी ने श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, रमई राम समेत अन्य तीन दलित दिग्गज नेताओं के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके जदयू को यह संकेत दे दिया कि मांझी के जाने से उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और रमई राम बिहार में दलित राजनीति का चेहरा माने जाते हैं और दिलचस्प बात यह है कि एक दौर में इन्हीं तीन चेहरों ने और इन्हीं के सहारे नीतीश कुमार सूबे में दलित मतों को साधने में कामयाब हुआ करते थे। ये तीनों नेता अब जदयू का साथ छोड़ चुके हैं और आरजेडी की तरफ से सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी और बिहार ब्यूरो चीफ दीपक प्रियदर्शी इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। दीपक, सियासी उठापटक जिस तौर पर देख रही है, क्योंकि दलित जाति के वोट को और वोट की फसल को काटने के लिए लड़ाई सीधे सीधे अब दिख रही है, आरजेडी वर्सेस जदयू। ये चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि अब दलित वोट बैंक जो है एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में बनने जा रहा है। हालांकि हर बार के चुनाव में ये कोशिश होती है कि ये जो बड़ा वोट बैंक है उस बैंक वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की। आपने देखा होगा कि पहले ही रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो एक अलग लाइन लेकर चल रहे हैं और सरकार के खिलाफ कई बयान दे चुके हैं और उसका सिंपल ये कारण है कि वो दलित अपने दलित वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश है। इसी बीच श्याम रजक पिछले छह महीने से लगातार जो है वो दलितों के वोट बैंक को साधने के लिए और खास करके जो उन्हें जो है प्रोन्नति में आरक्षण का मुद्दा को लेकर वो लगातार सरकार पे दबाव बना रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जेडीयू से किनारा कर लिया। तीसरी तरफ जीतन राम मांझी ने जिस तरह से अपना स्टैंड लिया है तो जाहिर सी बात है कि सब जो जितने भी बिहार के जो दलित नेता हैं वो अपने अपने लेवल से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्सेप्ट बीजेपी वो उन दलित वोट बैंक को अपनी ओर कैसे किया जाए इसकी पूरी कवायद में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया दीपक प्रियदर्शी तमाम जानकारी के लिए।